सपा के गढ़ मैनपुरी में भाजपा चुनाव जीतने के लिए बड़ा दांव खेला है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने भाजपा ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने 3 चुनावों के बाद मैनपुरी से इस बार क्षत्रिय चेहरे पर दांव लगाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। वर्ष 2096 के बाद से इस सीट पर सपा के प्रत्याशी अजय रहे हैं। वर्ष 2014 और 2019 के मोदी लहर वाले चुनाव में भाजपा सीट को जीत नहीं पाई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद बनी थी। सपा ने इस बार भी उनको ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने शाक्य चेहरे के रूप में गुलशन देव शाक्य को मैदान में उतारा है। मैनपुरी से लोगों को बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने का लंबे समय से इंतजार था। प्रत्याशी के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, सैफाई परिवार के दामाद अनुजेश प्रताप सिंह के नाम चर्चाओं में थे। इनमें सबसे आगे जयवीर सिंह का नाम चल रहा था। जयवीर सिंह का मैनपुरी से पुराना नाता रहा है। वो घिघोर विधानसभा क्षेत्र से साल 2002 और 2007 में बसपा की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में भाजपा ने उनको मैनपुरी विधानसभा सीट पर सपा के 2 विधायकों का राजकुमार यादव के सामने मैदान में उतारा था। जयवीर सिंह सपा के वर्चस्व को तोड़कर नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल की थी। वहीं पर्यटन मंत्री बनने के बाद जयवीर सिंह ने जिले में धर्म स्थलों के पर्यटन विकास और सुंदरीकरण के कार्य कराए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम और संग्रहालय के निर्माण की योजना मंजूर कराई। इसका काम भी चुनाव की अधिसूचना से पहले शुरू हो चुका है। भाजपा का मानना है कि विकास कार्य और जयवीर सिंह के क्षेत्र में पकड़ का लाभ लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी बनाकर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास की सोच पर है। वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार सपा का गढ़ ढह जाएगा। मैनपुरी में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी।